मेरा नाम आशीष है, मेरी बिटिया NICU में भर्ती थी, रामा देवी ब्लड बैंक अस्पताल में भर्ती थी। 4 तारीख की घटना है, रात में वही 10:15 की बात है। कुछ लोग आए मानने लगे, उनमें से एक का नाम विपिन शुक्ला, एक का नाम विकास शुक्ला, एक का नाम शशिकांत, एक का नाम मनीष अवस्थी और अन्य थे उनको नहीं जानते हैं। ये लोग आए हैं मानने लगे, लोहे की रॉड से और हॉकी से मार रहे थे और थाना चकेरी से हमने पुलिस बुलाई, उन लोग ने मेडिकल करवाया, करवाने के बाद में वो कह रहे हैं सब नॉर्मल है। जी को इनका हाथ फ्रैक्चर है, इसमें 13 टांके लगे हैं, ऑपरेशन हुआ मेरी, और ये लंबी लंबी चोटें हैं जी, आज 12-13 दिन हो गया है। मुझको चलने और बैठने में बहुत तकलीफ होती है, जो कि पुलिस प्रशासन ने ही मेडिकल करवाया था। आज मुझको धमकाया जा रहा है कि अगर एप्लीकेशन आप वापस नहीं लेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, और लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि आप नीची जात के हैं, अगर एप्लीकेशन वापस नहीं लोगे तो जान से मार देंगे, अगर मेरी जान मान का कोई खतरा हुआ तो इसका जिम्मेदार चकेरी पुलिस होगी, जिसका वीडियो है मेरे पास। पुलिस प्रशासन ने अस्पताल से वीडियो भी निकलवाया है, लेकिन पुलिस फिर भी मानने को तैयार नहीं है, जबकि चौकी इंचार्ज ने देखा है, एसओ साहब ने देखा है, लेकिन उस वीडियो को भी मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया इस पे कार्रवाई करवाएं, बहुत बहुत दया होगी।